सभी अपने स्थान पर वंदे मातरम के लिए खड़े हो जाएंगे। जय भारत माता की, भारत माता की। मैं एक बार फिर से मंच पर हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी महेंद्र भट्ट जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ इस संगठन पर सदस्यता अभियान की, प्रदेश की सातों मोर्चों की संयुक्त इस कार्यशाला में। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय महेंद्र भट्ट जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ देकर इस कार्यशाला में स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करूंगी सिद्धार्थ अग्रवाल जी हमारे महानगर के अध्यक्ष हैं, उनसे कि आकर माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। साथियों, तालियां बजती रहनी चाहिए। जब मंच पे हमारा पूरा शीर्ष नेतृत्व हो तो तालियों में कमी आए ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये हमारे मोर्चे तो फ्रंटल मोर्चे भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं। मैं अनुरोध करूंगी हमारी महिला मोर्चा की दोनों महामंत्री आदरणीय गीता रावत जी और भावना मेहरा जी से कि आकर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का मंच पर स्वागत करेंगी। इसके बाद आदरणीय विपुल मेंदोली जी और रवि पाल जी हमारे युवा मोर्चा के दोनों महामंत्री आकर अजय जी भाई साहब का मंच पर स्वागत करेंगे। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस सदस्यता अभियान का जो पूरे प्रदेश में नेतृत्व कर रहे हैं ऐसे हमारे कुलदीप जी भाई साहब के स्वागत के लिए मैं ऋषि पाल जी जो हमारे एससी मोर्चे के महामंत्री हैं उनको मंच पर आमंत्रित करूंगी। हमारी बड़ी दीदी स्वराज विद्वान जी जो हमारी एसटी मोर्चे की राष्ट्र की मंत्री हैं उनके स्वागत के लिए मैं राकेश सिंह जी और राजवीर राठौर जी जो हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चे के महामंत्री हैं उन दोनों को मंच पर आमंत्रित करूंगी। हमारे आदरणीय नेत्रपाल जी और महेंद्र धीमान जी हमारे ओबीसी मोर्चे के दोनों महामंत्री कृपया आए और हमारे प्रदेश के महामंत्री खिलेंद्र चौधरी जी का पुष्प गुच्छ देखकर स्वागत करें। साथियों, तालियां नहीं बज रही हैं सभागार में जबकि बहुत सुंदर अल्पाहार का पूरा प्रबंध हमारी महानगर की टीम द्वारा किया गया था। तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए, एक ऊर्जा का संचार सभागार में रहता है। मैं अनीश गौर जी और महमूद हसन जी हमारे जो अल्पसंख्यक मोर्चे के दोनों महामंत्री हैं उनको आमंत्रित करूंगी कि आए और हमारे प्रदेश के महामंत्री आदित्य कोठारी जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। हमारे किसान मोर्चा के महामंत्री महेंद्र नेगी जी कृपया मंच पर आए और आदरणीय राजेंद्र बिश जी हमारे प्रदेश के महामंत्री उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे।
साथियों, संगठन पर्व सदस्यता अभियान ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण एक कार्य, हम बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर करते रहते हैं, हमारी पार्टी हमें मौका देती है अपनी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने का, लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का ये मौका हमें हमारी पार्टी लगातार देती है। लेकिन अगर संगठन पर्व सदस्यता अभियान की मैं बात करूं तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमारा मूल है, हमारी फाउंडेशन इस कार्यक्रम से बनती है। आप जानते हैं कि 10 लोगों की सदस्यता से जो पार्टी शुरू हुई, आज 20 करोड़ कार्यकर्ताओं से ज्यादा की ये पार्टी है। आज 13 राज्यों में भाजपा की सरकार है, 18 राज्यों में एनडीए की सरकार है, सबसे ज्यादा विधायक, सांसद, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक अगर सबसे व्यापक किसी विचारधारा का, किसी पार्टी का आधार है तो वो भारतीय जनता पार्टी का है। और इसीलिए ये सदस्यता अभियान जो है हमारी पार्टी की रीढ़ है, हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है जो इसे और कार्यक्रमों से अलग करता है। मैं आदरणीय प्रदीप बिष्ट जी, जो इस सदस्यता अभियान के सह संयोजक है, मैं उनको आमंत्रित करूंगी कि वो आए और स्वागत भाषण के रूप में एक प्रस्तावना सदस्यता अभियान की हम सबके बीच में। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 संयुक्त मोर्चा की कार्यशाला में इस कार्यक्रम की संचालन कर रही बहन नेहा जोशी जी, इस अभियान के प्रदेश के संयोजक आदरणीय कुलदीप जी, हमारे तीनों महामंत्रीगण आदरणीय खिलेन जी, राजेंद्र जी और आदित्य जी, 80 मोर्चा की प्रदेश के मंत्री हमारी बहन स्वराज उद्वान जी, मोर्चा के सम्मानित अध्यक्ष पुंडीर जी, ओबीसी मोर्चा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय गिरी जी, बहन महिला मोर्चे की अध्यक्ष आदरणीय आशा नौटियाल जी, हमारी अनुसूचित मोर्चे के सम्मानित अध्यक्ष भाई समीर आर्या जी, एसटी मोर्चे की प्रभारी बहन नीरू देवी जी, इंतजार हुसैन जी, युवा मोर्चा के प्रभारी शैलेंद्र जी, युवा मोर्चा के सम्मानित अध्यक्ष शशांक जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष कोहली जी, हम सबका संगठन के नाते कुशल मार्गदर्शन कर रहे, हम सबको संगठन की रीति नीति के साथ आगे बढ़ाने वाले हमारे आदरणीय महामंत्री संगठन अजय जी, और हम सबकी इस कार्यक्रम में अध्यक्षता करते हुए हम सबको अपना कुशल मार्गदर्शन देते हुए अपनी कर्मठता, अपनी सरलता से इस संगठन को आगे बढ़ाने वाले हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, और हम सबके चाहते उत्तराखंड को एक नए आयाम पे ले जाने वाले, यूसीसी लागू करने के साथ उत्तराखंड को एक गौरव दिलाने वाले, अनेक गौरव उत्तराखंड के नाम करने वाले, और अभी अभी जो हमें उपलब्धि मिली है देश में दूसरे नंबर के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहां पर उपस्थित संयुक्त मोर्चा की बैठक में सम्मानित सभी जिलाध्यक्ष, सभी प्रदेश पदाधिकारी और आए हुए समस्त बंधुओं का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, अभी राष्ट्रीय कार्यशाला, उसके बाद प्रदेश की कार्यशाला के बाद जिले की कार्यशाला के बाद यह संयुक्त मोर्चा की कार्यशाला हम सब लोगों के बीच में है। हम सबको यहां पर वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी है उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, आदरणीय अध्यक्ष जी, महामंत्री संगठन जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। साथ ही केवल एक ही आग्रह करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी है जो अपनी सदस्यता को, अपने संगठनात्मक ढांचे को बनाने पर एक पर्व के रूप में मनाता है, ना कि दायित्व और पदों की गरिमाओं पर जाते हुए उसको काम करता है। इसलिए जो हम सब लोग सौभाग्यशाली भी हैं कि हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हैं, हम सब लोग दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए आदरणीय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित भाई शाह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग हैं। मैं आप सब लोगों से पुनः निवेदन और आग्रह करते हुए कि सदस्यता पर्व को, यह सदस्यता अभियान को
यह महापर्व को हम सब लोग अपने क्षेत्रों पर जाके जैसे हमारे प्रदेश नेतृत्व का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उस मार्गदर्शन को हम लेकर जाकर हम इस सदस्यता पर्व को लेकर अपने बूथों पर जाते हुए हर राष्ट्रवादी व्यक्ति को अपनी पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। इतना ही आग्रह और निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद आदरणीय प्रदीप बिष्ट जी। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 17 करोड़ वोट मिले थे पूरे देश में, और 2024 के चुनाव में इन वोटों की संख्या 23 करोड़ 60 लाख हो गई थी। तो कई बार हमारे मन में ये बात आती है जब कि हमारी परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं रही जैसी हमें अपेक्षा करी थी, तो ये कुछ नंबर हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए, और इस नंबर के आधार में हमारे संगठन का वो कार्य है जो अनवरत लगातार चलता रहता है, और जिसी क्रम में आज हम ये सदस्यता अभियान की भी शुरुआत कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगी मंचासीन अतिथियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि वो हमारे सदस्यता अभियान का लोगो और मिस्ड कॉल नंबर लॉन्च कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। आज हमारा सौभाग्य है कि इस संयुक्त मोर्चा की इस कार्यशाला में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं, और एक विशेष दिन उत्तराखंड के लिए इसलिए भी है कि अभी कुछ ही दिनों पहले नवभारत टाइम्स ग्रुप, जो हमारे भारत का एक बहुत बड़ा और एक बहुत क्रेडिबल मीडिया ग्रुप माना जाता है, उन्होंने एक विशेष सर्वे किया पूरे देश में, और जिस सर्वे में पाया गया कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के ही बेटे हैं, उनके बाद पहले नंबर पर कोई मुख्यमंत्री है अगर पॉपुलैरिटी में, जनता को का समर्थन जिनको प्राप्त है, तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को का अभिवादन करेंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे कि इसी तरह वो हमारे प्रदेश का यश पूरे देश में बढ़ाते रहें। और मैं अब आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय कुलदीप जी से, हमारे सदस्यता अभियान के संयोजक, कि वो आएं और पीपीटी के माध्यम से जो सदस्यता अभियान के हमारे बिंदु हैं उनको हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय कुलदीप जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान के संगठन पर्व पर आज मंच पर उपस्थित, संयुक्त मोर्चा कार्यशाला में मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, महामंत्रीगण आदरणीय आदित्य कोठारी जी, आदरणीय राजेंद्र बिष्ट जी, आदरणीय खिलेंद्र चौधरी जी, राष्ट्रीय मंत्री एससी मोर्चा बहन स्वराज विद्वान जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रही राष्ट्रीय युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन नेहा जोशी जी, मंच पर उपस्थित सभी मोर्चों के अध्यक्ष, और इस सदस्यता अभियान में मेरे सहयोगी, सदस्यता अभियान के सह संयोजक आदरणीय प्रदीप बिष्ट जी, और सदस्य के रूप में जो हमारे बीच में काम कर रहे हैं आदरणीय मुकेश कोहली जी, और यहाँ पर उपस्थित मोर्चों के सभी पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्षगण, और इस कार्यशाला में अपेक्षित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी का यह सदस्यता अभियान राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों पर दो चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण में प्रशिक्षण की विभिन्न कार्यशालाएं राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, और जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, और उसके नीचे की ओर शक्ति केंद्र, और फिर 31 तारीख को बूथों पर संपन्न होनी है, और उसके साथ साथ 2 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को सदस्यता ग्रहण करवाने के पश्चात 3 प्रकार से हम लोग इस सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाएंगे।
मिस कॉल के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से, नमो ऐप के माध्यम से और फिजिकली फॉर्म भर करके भी हम इस सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाएंगे और प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य हमारे बने। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह आग्रह किया था, लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसको उत्तराखंड में आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक बूथ पर कम से कम 300 सदस्य बने, ऐसा बूथों का लक्ष्य निर्धारित किया है। और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग जब इस काम में निकलेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है उससे अधिक सदस्यता बना करके, जो केंद्र की ओर से अपेक्षा की गई है, जो प्रदेश की ओर से अपेक्षा की गई है, उससे अधिक सदस्य बना करके अपनी पार्टी की सत्ता को आगे बढ़ाएंगे। इस PPT के माध्यम से किस प्रकार से सब कार्यक्रम होने हैं, मैं आपके बीच में अपना विषय रखना चाहूंगा। PPT को चलाएंगे। यह हमारा इससे पहले 2014 में सदस्यता का अभियान मिस कॉल के माध्यम से किया गया था। 2014 में पहली बार मिस कॉल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता बनाई थी और उसके बाद 2020 में उस सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाया था। भारतीय जनता पार्टी की जो वैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का सदस्य केवल 6 वर्षों के लिए वैध होता है, लेकिन कोरोना काल के कारण और निर्वाचन आयोग से अनुमति के पश्चात 2014-2020 में जो सदस्यता हुई थी उसको 2024 तक आगे बढ़ाया गया था और 2024 में पुनः सबकी सदस्यता को समाप्त मानते हुए 2 सितंबर से फिर से मिस कॉल के माध्यम से और जो अन्य प्रकार है उनके माध्यम से इस सदस्यता को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। भाजपा की सदस्यता 2024 इसको हमने नाम दिया है, संगठन पर्व के रूप में इसको मनाएंगे, ऐसा केंद्रीय नेतृत्व का आग्रह है। नेक्स्ट, 2014 और 2015 में जो पहली बार सदस्यता हुई थी उसमें 11 करोड़ के आसपास भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर सदस्य बने थे और माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, जो उस समय अपने अमित भाई शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके द्वारा सदस्यता करवा करके इस कार्यक्रम को मिस कॉल के माध्यम से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, उत्तराखंड 26 नंबर पर उस 2014 की सदस्यता का जो पर्व था उसमें 10,13,000 की सदस्यता उत्तराखंड की यहां पर हुई थी। नेक्स्ट, ये जो पहला चरण था ये 6 जुलाई 2020 से 20 अगस्त तक चला था और उसके पश्चात लगभग शुरू में 2.2 करोड़ सदस्य बने थे और इस लक्ष्य को निर्धारित करने के पश्चात 7 करोड़ की सदस्यता पूरे प्रदेश के अंदर हुई थी। नेक्स्ट, 2020 के अंदर जो हमारी सदस्यता हुई थी उसमें ये संख्या पहली बार 10,13,000 2014 के अंदर और 2020 में 10,77,000 सदस्य हमने बनाए थे। नेक्स्ट, ये 26 नंबर, नेक्स्ट, 10,77,000 की सदस्यता दूसरी बार में हुई। अगर दोनों सदस्यों को हम जोड़ दें तो लगभग 21 लाख की सदस्यता उत्तराखंड के अंदर 2014 और 2020 के सदस्यता अभियान में पूरी हुई है। इस अभियान के क्या उद्देश्य है, अभियान की रूपरेखा क्या है, अभियान की गतिविधियां क्या है, अभियान का समापन किस प्रकार से होना चाहिए और इस अभियान को पूरा करने के लिए किस प्रकार का प्रचार प्रसार हम करेंगे, इसकी चर्चा हम इस PPT के माध्यम से आगे करेंगे। नेक्स्ट, 2014 में पहली बार ऑनलाइन सदस्य हमने बनाना प्रारंभ किया था और उसके माध्यम से 2020 में इस क्रम को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट, हमारी अर्हताएं क्या है सदस्यता के लिए, कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता हो, जो भारत का नागरिक हो और भारत की विधानसभा की धारा 2 संकल्प, 3 मूल दर्शन और 4 निष्ठाओं को स्वीकारता हो, उसे हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना सकते हैं। जहां तक सदस्य बनाने की मैंने बात की, चार प्रकार से हम उनको सदस्य बना सकते हैं, मिस कॉल के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से, नमो ऐप के माध्यम से और उसके अतिरिक्त एक फिजिकल फॉर्म भर करके भी हम उसको सदस्य बना सकते हैं। इसमें दूसरे प्रकार का जो सदस्य हमारा, पहला ये सामान्य सदस्य हमारा होगा, दूसरा सक्रिय सदस्य। सक्रिय सदस्य जो कम से कम 3 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न गतिविधियों में लगातार सक्रिय होकर के कार्य करता रहा हो, केंद्र प्रदेश मंडल कार्यकारिणी की योजना अनुसार पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेता रहा हो और कम से कम इसमें 100 रुपये
नमो ऐप के माध्यम से जमा करके 100 सदस्य बनाने वाला व्यक्ति ही हमारा सक्रिय सदस्य बनेगा। पीपीटी में इसमें 50 का उल्लेख है, लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उत्तराखंड के लिए इस लक्ष्य को 100 का रखा है, तो अपना सामान्य कार्यकर्ता या पदाधिकारी जो 100 की सदस्यता करवाएगा वो सक्रिय सदस्य बनाने के लिए अर्ह होगा। नेक्स्ट पीपीटी कई जगह 50 है। अभी केंद्र की ओर से जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, केंद्र ने पूरे देश के अंदर 10 करोड़ की सदस्यता, 10 करोड़ की प्लस सदस्यता, इसको थोड़ा इस ओर हम ध्यान देंगे कि लक्ष्य जो निर्धारित किया है वो 10 करोड़ प्लस, यानी कि 10 करोड़ से ऊपर वो 21 करोड़ हो सकते हैं, वो 24 हो सकते हैं, वो 25 हो सकते हैं, लेकिन बूथों का लक्ष्य हमने निश्चित रूप से निर्धारित किया है। केंद्र की ओर से 10 करोड़ प्लस सदस्य का लक्ष्य निर्धारित हुआ है। इसमें जो 2047 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यह भारत विकसित राष्ट्र होना चाहिए, इस संकल्प को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और भारत एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बने इसको जनता को बता करके उनसे सदस्यता करवाने का आग्रह करेंगे। हमारी जो सदस्यता है सर्वव्यापी भाजपा होनी चाहिए, इसमें हर वर्ग, हर समुदाय और हर आयु वर्ग, हर अलग अलग जो हमारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, यानी कि सर्वव्यापी संस्था हमारी होनी चाहिए। समाज के हर वर्ग, हर विचारधारा, जन कल्याणकारी कार्य, व्यापक प्रचार और विभिन्न जातीय समुदायों के बीच में जाकर के हमारी संस्था होनी है, इसको संपन्न करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें जैसा मैंने बताया कि 3 प्रकार से हम लोग सदस्यता ले सकते हैं, पहला मिस कॉल से, दूसरा QR कोड से, तीसरा नमो ऐप के माध्यम से और चौथा फिजिकल फॉर्म भर करके। तो चौथा प्रकार इसमें अलग से जुड़ा है, क्या है? फिजिकल फॉर्म भर के, जैसे सीमांत क्षेत्र के अंदर कनेक्टिविटी नहीं है या किसी के घर में पर्याप्त मोबाइल फोन नहीं है तो सदस्यता के लिए हमें समस्या होगी, तो उनके लिए फिजिकल फॉर्म भर करके हम लोग उसको लेकर के आएंगे। नेक्स्ट किस प्रकार से हम लोग सदस्यता लेंगे? सबसे पहले हमारा जो मिस कॉल नंबर जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है 8800002024। आसानी से इसको याद करना हो तो 88 4 0 2024 इस नंबर पर मिस कॉल मारेंगे। कुछ साथियों ने मोबाइल निकाल दिया, अभी ये चालू नहीं है, 2 तारीख को चालू होगा और 2 तारीख के बाद ही इस पर अगला जो प्रोसेस है वो पूरा होगा। इस नंबर पर हम लोग मिस कॉल मारेंगे। मिस कॉल मारने के बाद एक SMS आएगा, उस SMS के अंदर एक लिंक आएगा, उस लिंक को जब हम खोलेंगे तो लिंक को खोलने के बाद उसमें हमें अपनी पूरी डिटेल भरनी है, हम कहाँ के रहने वाले हैं, हमारा नाम क्या है, पता क्या है, बूथ क्या है, मंडल क्या है, विधानसभा क्या है, उस चीजों को हम भरने के बाद वो अपना प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा। लास्ट में एक पहली बार ये आप लोगों को एक सस्ता कार्ड मिलने वाला है, लास्ट में आपसे फोटो मांगेगा, चाहे सेल्फी के माध्यम से, चाहे प्रोफाइल में जाकर के फोटो उठा करके उस पर आप जो स्पेस बना होगा उस पर जब आप उसको पेस्ट करेंगे तो एक सदस्यता कार्ड बन करके आएगा जिसको आपने डाउनलोड करके अपने पास रखना है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के पास इस बार प्रमाण के रूप में उसका सदस्य कार्ड भी रहेगा। अब इसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगी, यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो स्थिति में आप क्या करेंगे? स्मार्टफोन में आपके पास लिंक आएगा, फॉर्म भरेंगे, पूरी प्रक्रिया स्मार्टफोन के अंदर ही पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कीपैड फोन है तो क्या करेंगे? आप क्या करेंगे, कीपैड फोन से आप मिस कॉल मारेंगे, उस पर लिंक आएगा, उसे अपने परिवार के या अपने दोस्त के किसी भी एंड्रॉइड फोन के ऊपर उस लिंक को खोलेंगे। जब उस लिंक को खोलेंगे तो दूसरे के फोन पे आप उसको लिंक को जब भरेंगे तो यही प्रक्रिया फॉलो करके आपको अपनी मेंबरशिप प्राप्त हो जाएगी। ये तो कीपैड वालों के लिए हो गया। अब तीसरी स्थिति ऐसी आती है कि जहां कोई नेटवर्क नहीं है, जहां पर कोई भी नेटवर्क नहीं है उस स्थान पर आप फिजिकल फॉर्म भर करके ले आएंगे और जिला अध्यक्ष जो अपनी मेन बॉडी के जिला अध्यक्ष है, प्रत्येक जिले में माननीय अध्यक्ष जी और माननीय महामंत्री संगठन जी की अनुमति से एक एक कार्यकर्ता बैठा रहेगा, वो कंप्यूटर पर बैठा रहेगा, उस फॉर्म को जैसे ही सबमिट करेंगे उसी कंप्यूटर के अंदर फॉर्म सबमिट होने के बाद एक पासवर्ड आएगा, उसको डालने के बाद उसकी मेंबरशिप वहां से सबमिट हो जाएगी और किस फॉर्म पर कौन सी मेंबरशिप है उस फॉर्म पर नंबर लिख करके उसको मेंबरशिप को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यानी कि जिसके परिवार में 2 एंड्रॉइड फोन है, एक कीपैड और एक एंड्रॉइड फोन है और 5 मेंबर बन रहे हैं तो 3 का फॉर्म भर करके लाना है, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। जहां कनेक्टिविटी नहीं है वहां पर भी फिजिकल फॉर्म भर करके हम लोग लाएंगे और जिले के माध्यम से उनको संस्था के रूप में इनरोल करेंगे। नेक्स्ट
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत संपर्क हम लोगों ने करना है, घर घर जाना है, बस स्टैंडों पर, रेलवे स्टेशन पर, मॉल में, बाजार में, सार्वजनिक स्थलों पर कियोस्क लगा करके, कैनोपी लगा करके या कोई एक अट्रैक्शन का केंद्र बना करके वहां लोगों को इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके उनको भारतीय जनता पार्टी की संस्था बनाने के लिए उनसे आग्रह करना है। नेक्स्ट, इस अभियान के उद्देश्य, अभियान की रूपरेखा, अभियान की गतिविधियां, अभियान का समापन और अभियान का प्रचार प्रसार, ये हमने 5 प्रकार से इसको विभक्त किया है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम है कहाँ कहाँ कब कब होने हैं, सबसे पहले 17 तारीख को राष्ट्रीय अभियान कार्यशाला इसकी हमारी दिल्ली के अंदर संपन्न हुई, जिसमें अपने उत्तराखंड की जो प्रदेश की टोली है, माननीय महामंत्रीगण, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महामंत्री संगठन जी उसमें उपस्थित रहे। उसके बाद 21 तारीख को अपने प्रदेश की कार्यशाला यहाँ पर संपन्न हुई, जो 21 तारीख को प्रदेश की कार्यशाला संपन्न हुई उसमें जिलों की 4 लोगों की टोली, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री और प्रदेश के पदाधिकारी ये सब वर्कशॉप में उपस्थित रहे। 22 अगस्त को स्वच्छता अभियान की घोषणा की गई और अपने 23, 24 और 25 इन 3 दिनों के अंदर अपने जिलों के संस्थाओं के जो मंडलों की टोलियां थी, जिले के पदाधिकारी और मंडलों की टोलियों का प्रशिक्षण जिलों में संपन्न हुआ। अपने उत्तराखंड के सभी 19 जिलों के अंदर यह प्रशिक्षण संपन्न हो चुके हैं जिलों के, और मंडलों के जो प्रशिक्षण है जिसमें मंडल की 4 लोगों की टीम, मंडल के अपने पदाधिकारी और शक्ति केंद्रों के संयोजक और बूथ इकाई अध्यक्ष जिसको हम बोलते हैं, उनके प्रशिक्षण ये 26, 27, 28 और 29 को संपन्न होने थे, जिसमें अभी तक 270 मंडलों में से लगभग 130 मंडलों के हमारे प्रशिक्षण संपन्न हो चुके हैं। कई स्थानों पर अभी सब प्रशिक्षण जारी है, 29 तारीख तक यानी कि कल तक ये सारे प्रशिक्षण अपने संपन्न हो जाएंगे। अभी इसके पश्चात 31 तारीख को राष्ट्रीय स्तर से भी और प्रत्येक बूथ पर प्रशिक्षण संपन्न होने हैं। मेरा मोर्चे के सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि अपनी मेन बॉडी के पदाधिकारी और अपनी जो मेन बॉडी जो मंडल के अध्यक्ष हैं वो जहां जहां भी अपनी व्यवस्था लगाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी ने निवेदन किया है कि हर एक पदाधिकारी को अपने बूथ पर रहना 31 तारीख को, और अपने बूथ पर रहकर जो 11 लोगों की टोली है जितना आप यहां से सीख करके जाएंगे उतना वहां उनको प्रशिक्षित करना है, क्योंकि जब ये ड्राइव चलेगा आगे की ओर, सदस्यता का अभियान आगे की ओर बढ़ेगा तो उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कोई सदस्य बनने से रह ना जाए, इसके लिए अपने आप को पूर्ण प्रशिक्षित करना है। तो 31 तारीख को सभी बूथों पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम संपन्न होंगे। एक शक्ति केंद्र पर सदस्यता सहयोगी की भी नियुक्ति होगी, जिसमें अपने जो शक्ति केंद्र के संयोजक है उसको जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन हर बूथ के ऊपर 31 तारीख को प्रशिक्षण के कार्यक्रम होने हैं। और 2 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब माननीय प्रधानमंत्री जी को सदस्यता प्रदान करवाएंगे, और उसके पश्चात माननीय अपने प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तराखंड के अंदर सदस्यता प्रदान करवाएंगे, तो उसके पश्चात बूथों पर जाकर के एक बहुत सघन अभियान हम लोगों ने चलाना है, जिसमें जो बूथों का लक्ष्य 300 का हर बूथ पर हमें दिया है उसको पूरा करने के लिए हमने आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, मेन बॉडी के कार्यक्रमों के साथ साथ अपने मोर्चे भी इसमें सक्रिय रहे, इसकी चिंता राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व की ओर से की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर सभी मोर्चों के प्रशिक्षण संपन्न हुए और आज उसी क्रम में ये संयुक्त मोर्चों का प्रदेश का प्रशिक्षण ये यहाँ पर संपन्न हो रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी और माननीय जिलाध्यक्षों को हमने आमंत्रित किया है। 1 तारीख को अपने 1 सितंबर को सभी जिलों में संयुक्त जिला कार्यशाला मोर्चों की संपन्न होनी है। इस बात को थोड़ा गौर से सुनेंगे, हर जिले के अंदर मोर्चों की संयुक्त कार्यशाला जिला स्तर पर संपन्न होनी है। कौन कौन लोग उसमें उपस्थित रहेंगे, कौन कौन अपेक्षित रहेंगे, उनकी सूची हम आपको प्रेषित करेंगे, लेकिन ये कार्यशालाएं पूरे प्रदेश के अंदर 1 तारीख को संपन्न हो जाएं, इसकी चिंता आप लोगों ने विशेष रूप से करनी है। 1 से 25 सितंबर तक ये पहला सदस्यता का अभियान होना है, जो 2 से 25 जिसकी तिथि हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी की सदस्यता के पश्चात पूरे देश के सदस्यता का अभियान ये प्रारंभ होगा। और पहले 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक कई प्रेस वार्ताएं होंगी, कई बड़े कार्यक्रम होंगे, लेकिन विशेष ध्यान हमने बूथों पर देना है। जो बूथों पर 300 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है उसको पूरा करने का 1 तारीख से 10 तारीख तक हमने कोशिश करनी है। 10 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक विशेष संपर्क अभियान, टोलियों में, घरों घरों में निकलना, सदस्यता को और आगे बढ़ाना, इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। 21 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर अपने सदस्यता अभियान की समीक्षा होगी और 23 और 24 तारीख को
प्रदेश समीक्षा बैठक और सक्रिय सदस्यता को बनाने को लेकर के एक बैठक अपने प्रदेश में संपन्न होगी। दूसरा चरण, पहला चरण 1 से 25 सितंबर तक चलेगा, दूसरा चरण सदस्यता का वो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। ये जो दूसरा चरण है, जैसा मैंने कहा कि पहले चरण में तो हम लोग सदस्यता बूथों पर जाकर के और अपने विभिन्न वर्गों में जाकर के करेंगे, लेकिन दूसरा जो चरण है यह मोर्चों के लिए विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक मोर्चों के द्वारा अधिक से अधिक सदस्यता होनी है और इसमें मोर्चों के कार्यक्रमों के साथ सदस्यता होनी है। मोर्चों ने जो अलग अलग कार्यक्रम तय किए हैं, माननीय अध्यक्षगण अपनी कार्यक्रमों की घोषणा करेंगे, तो उन कार्यक्रमों को 1 से 15 तारीख के बीच में करवा करके अधिक से अधिक सदस्यता हम लोगों ने करनी है। इसके पश्चात 16 से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता बनाने का काम प्रारंभ होगा। जैसा मैंने कहा कि जो सामान्य सदस्य 100 सदस्य बनाएगा और नमो ऐप के माध्यम से 100 रुपये जमा करेगा, वो सक्रिय सदस्य बनने के लिए अर्ह होगा और आगे पदाधिकारी जब वो बनेंगे तो उसके लिए भी सक्रिय सदस्य होना आवश्यक है। इसके पश्चात 1 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक यह मंडलों के अंदर हमारे रजिस्टर बनेंगे और रजिस्टर बन करके उसको लिपिबद्ध करके अपने जिलों में और अपने प्रदेश में इसमें आगे की ओर हम लोग जमा करेंगे। नेक्स्ट, हमारी किस प्रकार से ये कार्यक्रम आगे बढ़े है, इसमें प्रदेश के स्तर पर अपने 5 लोगों की टोली है, जिलों में हमने 4 लोगों की टोली बनाई है और उसके पश्चात मंडलों के अंदर हमने एक संयोजक, एक सह संयोजक और एक सदस्य, 3 लोगों की टोली बनाई है। शक्ति केंद्र पर हम लोगों ने एक सदस्यता सहयोगी के रूप में एक कार्यकर्ता को अपॉइंट किया है और उसके साथ साथ बूथों पर, हर बूथ पर कोई ना कोई एक वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यता सहयोगी के रूप में कार्य करेगा। इस प्रकार ये एक योजना है पूरी। नेक्स्ट, ये प्रशिक्षण के जो क्रम है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण होना है, जिला स्तर पर होना है। नेक्स्ट, जिले के बाद मंडलों के प्रशिक्षण होने हैं, मंडलों के बाद अपने मोर्चों के संयुक्त प्रशिक्षण होने हैं, मोर्चों के जिलों में संयुक्त प्रशिक्षण होने हैं, जिले के बाद मोर्चों के ही मंडलों में संयुक्त प्रशिक्षण होने हैं और शक्ति केंद्र पर प्रशिक्षण और नीचे बूथ पर प्रशिक्षण, ये सारी प्रक्रिया इसमें है। नेक्स्ट, सदस्यता के 2 चरण है। पहले चरण में जैसा मैंने कहा कि पहला चरण 1 सितंबर से 25 सितंबर तक, दूसरा चरण जो है 1 अक्टूबर से लेकर के अपना 15 अक्टूबर तक चलेगा। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी इस अभियान को लॉन्च करेंगे, उसके बाद प्रदेश में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को सदस्यता दिलवा करके इस कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे और उसके बाद लगातार बूथों पर जाकर के सदस्यता करनी है और अन्य जो क्षेत्र है वहां पर जाकर सदस्यता करनी है। नेक्स्ट, प्रदेश में अपना 2 या 3 सितंबर को, जैसे भी माननीय अध्यक्ष जी अपनी अनुमति, 3 सितंबर को माननीय अध्यक्ष जी इस कार्यक्रम को बड़े कार्यक्रम के माध्यम से हम इसको लॉन्च करेंगे, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को सदस्यता करवाएंगे। 4 और 5 सितंबर को जिला स्तर पर अपनी प्रेस वार्ताएं होंगी, इसका प्रचार प्रसार होगा, अपने प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी जिलों में जाकर के प्रेस करके इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी अपने विभिन्न माध्यमों से जनता के बीच में पहुंचाएंगे। नेक्स्ट, 11 से 17 सितंबर ये विशेष रूप से जो अपने जनप्रतिनिधि हैं, सांसद से लेकर के वार्ड के मेंबर तक, इन सबको 11 से 17 सितंबर तक अपने अपने बूथों से शुरू करके घर घर जा करके, कोई भी घर ऐसा ना रहे जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नॉक करके और उस घर में कितने सदस्य बन सकते हैं उनको बनाने का प्रयास ना करें। तो इस कार्यक्रम इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अपने जो अपने संगठन के पदाधिकारी हैं, उन सबको इस काम में लगाना है। 11 सितंबर को घर घर संपर्क अभियान का एक कार्यक्रम 17 तारीख तक चलेगा, इसमें अपने सभी पदाधिकारियों को भाग लेना है। इसमें एक लक्ष्य हम लोगों ने और तय किया है कि अपनी विधानसभा जो चुनाव हुए हैं उसमें 27 लाख से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड के अंदर मिले हैं। हमने इसका 75% यानी कि लगभग 23 से 24 लाख नए सदस्य बनाने ही बनाने हैं और जिस बूथ पर हमें जो मत पड़े हैं उसका 75% उस बूथ के ऊपर सदस्य बनाने का लक्ष्य हम लेकर के चलेंगे, तो तभी इस बड़े लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, घरों में जाकर के लोगों से संपर्क करना, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अब तक की उपलब्धियां हैं देश के लिए और माननीय
मुख्यमंत्री जी की जो अपने प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं उसका एक पत्रक बना करके भी हम आप लोगों को देंगे। उस पत्रक को लेकर के, स्टिकर को लेकर के, राज्य सरकार ने क्या ऐतिहासिक काम किए हैं उनको बता करके लोगों को प्रोत्साहित करके सस्ता बनाने के लिए हम लोगों ने मोटिवेट करना है। इसके साथ साथ अपने जो लोकसभा के अंदर कम से कम 100 लोगों की सूची, ऐसे लोग जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या अपना सेलिब्रिटी के रूप में, खिलाड़ी के रूप में जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, हर लोकसभा पर 100 लोगों की सूची बना करके उनकी सदस्यता करवानी है और उनके माध्यम से सदस्यता को हमने आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट एक इसमें हर रविवार को हम अपने जो रविवार हमारा इस दौरान आएगा, दो बातें मैं और कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक जितने भी रविवार हमारे आएंगे उन रविवारों को हम लोग अटल सस्ता पर्व के रूप में मनाएंगे, यानी कि एक घंटे के लिए किसी भी जगह पर 20-30 परिवारों को इकट्ठा करके वहां पर अटल जी के बारे में चर्चा करके वहां पर सस्ता करने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे। और एक मन की बात के कार्यक्रम जितने भी आगे आएंगे, एक कार्यक्रम अभी हुआ, एक अगले महीने में आएगा, मन की बात के कार्यक्रम में भी अपनी संस्था की चर्चा करेंगे और अधिक संस्था से बनाने का उसमें हम लोग प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो जैसा मैंने कहा कि हम 4 प्रकार से संस्था बना सकते हैं और मैंने आप प्रयास किया है कि आप सभी लोग एक सरल भाषा में किस प्रकार से हमने संस्था करनी है इसको बताने का प्रयास किया है। और मेरा आपसे निवेदन है कि इस संबंध में जो भी आपकी इंक्वायरी होगी या जो भी आप बताना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, अभी एक मुक्त सत्र आगे हम लोग आयोजित करेंगे, उसमें आपके प्रश्नों को लेकर के उनका उत्तर देंगे। मैं इसी इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत विस्तार से किस तरीके से इस सदस्यता अभियान का क्रियान्वयन हमें करना है इस संबंध में हमें बताया। साथियों, एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से लड़ती थी और आपने देखा होगा आप सब मिलकर हमसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे संगठन की ये ताकत है कि देश के 7 लाख से ज्यादा बूथों पर, उत्तराखंड के 11,670 बूथों पर हमारी एक मजबूत उपस्थिति है, जिसके कारण आज हम एक सर्वमान्य सर्वस्पर्शी संगठन के रूप में उभरे हैं। इस जीत का श्रेय हमारे प्रदेश के नेतृत्व को भी जाता है, जो हमारे प्रदेश के नेता हैं, विभिन्न प्रदेशों में हमारी सरकारें हैं। और उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से, चाहे वो यूसीसी की बात हो, चाहे वो महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात हो, या किसी भी और नीति द्वारा नकल विरोधी कानून हमारे युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की बात हो, तो हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने लगातार हमारे संगठन को और किस तरीके से हम जनता के बीच में अपनी बात करते हैं, कितने वजन से हम अपनी बात रख सकते हैं, उसमें हर एक कार्यकर्ता के कद को, मान को बढ़ाने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। एक बार जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करेंगे और मैं आमंत्रित करूंगी कि वो आए, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय आज हमारी इस बैठक को दिया है, आए और हमें संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। मोर्चों की बैठक में उत्साह न हो तो फिर वो बैठक आप समझ लीजिए फिर, है ना। बोले भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा बैठक जिनके तत्वाधान में यहाँ पर हो रही है, हमारी पार्टी के हमारे यशस्वी और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, प्रदेश के संयोजक सदस्यता के आदरणीय कुलदीप जी, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी, खिलेंद्र जी, राजेंद्र जी, सुश्री स्वराज विद्वान जी, और इसका संचालन करने वाली आज के मोर्चे की बैठक का नेहा जोशी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र जी बिष्ट, मुकेश कोहली जी, प्रदीप बिष्ट जी, नीरू देवी जी,
एवं मंच पर आसीन हमारे समीर जी, सांग जी और सभी पंडित जी से लेकर राकेश जी तक, अब इसमें नाम क्यों कम लिखे है? सभी उपस्थित हमारे मंचासीन सभी हमारे सभी पदाधिकारीगण और मेरे सामने बैठे हुए सभी मोर्चों के हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता पदाधिकारी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी का ये उद्घाटन सत्र है और उद्घाटन सत्र में अभी कुलदीप जी ने बहुत विस्तार से सारी बातें यहाँ पर रख दी हैं और बहुत मैं समझता हूँ उसके बाद बहुत कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। अब जो भी सत्र रखा होगा माननीय संगठन मंत्री जी ने और अध्यक्ष जी ने वो आपका चलेगा। मैं अपनी ओर से आप सभी का, चूँकि संगठन पर्व प्रारंभ हो रहा है, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और बैठक में जो सम्मिलित किए गए विभिन्न विषय हैं उनको मैंने देखा है, जैसा मुझे बताया भी गया, और पिछली बैठक में महानगर की हम लोगों ने इसका शुभारंभ भी किया था, वहाँ लोगों महानगर के कार्यकर्ताओं के बीच में ये अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया था और विधायकों के बीच में भी हमारी गैरसैंण में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में और संगठन मंत्री जी की उपस्थिति में सभी मंत्री और विधायकों के साथ भी बैठक हो गई है। और इस बैठक में भी सदस्यता अभियान, संगठनात्मक विषय, मन की बात, बूथ सशक्तिकरण अभियान सहित अनेक विषयों पर आप सबके साथ मंथन किया जाएगा। और लंबे समय से आप सब लोग इस काम को करते आए हैं, अब फिर से एक नए उत्साह के साथ, क्योंकि जब भी हमारी बैठक होती है हम सब लोग मिलते हैं तो एक नई ऊर्जा लेकर फिर से हम अपने स्थानों पर जाते हैं और नए तरीके से जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है उस अभियान को आगे बढ़ाते हैं। और आज की बैठक में भी मुझे पूरा विश्वास है कि जो दिन भर आप सब लोग यहाँ बैठेंगे और बहुत सारे सत्र होंगे, बहुत सारे लोगों के हमारे हमको उद्बोधन मिलेगा, एक मंथन होगा और इस प्रेरणा रूपी अमृत निश्चित रूप से इस मंथन से निकलेगा और ये हमारे राज्य के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लाभकारी होगा। मुझसे पहले आप सभी को अभी प्रदेश अध्यक्ष जी वगैरह अब तो बोलेंगे अभी लास्ट में, अभी इनका उद्बोधन प्राप्त होगा इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हम इन विशेष अभियानों के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक हम पहुँचें ये हमारा प्रयास होना चाहिए। इससे जहाँ पार्टी की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, पार्टी का विस्तार होगा, वहीं आपके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी ये बहुत आवश्यक हो जाता है। लोगों तक आपकी पहुंच बनती है और लोगों के बीच में से माउथ पब्लिक सिटी से कहीं ना कहीं जिनको आप संगठन से जोड़ने का काम करते हैं वह भी आपके लिए एक आधार बनते हैं। और इस अभियान के द्वारा हमें विभिन्न समुदाय के साथ ही जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, युवा वर्ग है, विशेषकर हमारी मातृशक्ति महिलाएं हैं, और इसमें कार्यकर्ताओं के छोटे छोटे समूह बनाकर हमें लोगों के बीच में जाना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत की बदलती हुई तस्वीर है और पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से भारत बदला है वो सब तस्वीर हमने लोगों के बीच में लेकर जानी है। और केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, काम हैं, वो सभी को, जिनको भी हम सक्रिय कार्यकर्ता बना रहे हैं, जिनसे संपर्क कर रहे हैं, उन सब के बीच में लेकर जाना है। और ये काम हमारे मोर्चे के जो कार्यकर्ता हैं, मोर्चे के जो पदाधिकारी हैं, उनकी जो है इस काम को करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये केवल अभियान पार्टी के जो हमारे सदस्य हैं, केवल सदस्यों को बढ़ाने का अभियान नहीं है, बल्कि यह हमारे जो वैचारिक मूल्य हैं, हमारी पार्टी की नीतियां हैं, हमारे सिद्धांत हैं, उन सबको भी जन जन तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा अवसर हमारे सामने है।
और 2 सितंबर को जैसा अभी कुलदीप जी ने बताया कि जब हम इस अभियान को प्रारंभ करने वाले हैं उसी दिन जो इन्होंने अभी नंबर यहाँ पर लॉन्च हुआ है वो नंबर भी तभी एक्टिवेट होगा और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहले सदस्य बनेंगे उस दिन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको सदस्य बनाएंगे और ये केवल एक औपचारिकता नहीं होगी बल्कि एक प्रतीक होगा कि हमारी पार्टी का हर एक सदस्य कितना महत्वपूर्ण है। और मुझे हमारे जो प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार हैं वो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारा संगठन पहुँचे, हमारी सरकार पहुँचे और ये तंत्र नीचे तक जाए। और उन्होंने कहा था कि आज का विरोधी कल का मतदाता बने, कल का मतदाता परसों हमारा सदस्य बने और परसों का सदस्य हमारा सक्रिय कार्यकर्ता बने। इस विचार को साकार करने का सबसे सशक्त माध्यम अगर कोई है तो यही है जो हम सब लोग जिसकी आज यहाँ पर जिसके कारण से हम सब लोग एकत्र हुए हमारा सदस्यता अभियान। हमारा लक्ष्य यह भी होना चाहिए कि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ें जो हमारी विचारधारा में विश्वास रखते हैं और राष्ट्र और समाज के निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं। उन सबको हमने पार्टी से प्राथमिकता के आधार पर जुड़ने का काम करना है। मुझे खुशी है कि संगठन द्वारा हर विधायक को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने चुनाव में मिले मतों के बराबर कार्यकर्ता जोड़े। ये अपने आप में एक अनूठी पहल है कि सभी को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, सभी को जिम्मेदार बनाया गया है। जो श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कथन को चरितार्थ करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। आज हमें ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता भी है जो निष्ठावान हों, समर्पित हों और सेवा भावना से प्रेरित होकर संगठन के लिए कार्य करना चाहते हैं। आप सभी कार्यकर्ता भाई बहन, ये जो अभियान है इस अभियान की आप सब रीढ़ है और आपका समर्पण, आपका परिश्रम ये निश्चित रूप से हमारी पार्टी को एक बड़ा आधार, एक बड़ी मजबूती देने का काम करेगा। और देवभूमि से इसकी शुरुआत होनी चाहिए ताकि माँ गंगा, यमुना और हिमालय की तरह पूरे भारत में इसका विस्तार हो। आज बहुत सारे कानून, बहुत सारे नियम, बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले आप देख रहे होंगे कि वो जो उत्तराखंड में लिए जा रहे हैं वो पूरे भारत के अंदर एक मॉडल के रूप में जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी शुरुआत उत्तराखंड से हुई है, वो चाहे UCC के रूप में हो, चाहे नकल का कानून हो, या अभी अभी नीति आयोग के द्वारा जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की रेटिंग आई हो, उस रेटिंग में भी आप सबको खुशी होगी जानकर कि हमारा राज्य उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में पहले नंबर पर आया है। इसलिए हमें घर घर तक पहुंचना है, हर व्यक्ति तक अपनी पार्टी की जो विचारधारा है उस विचारधारा को पहुंचाना है। यह अभियान हमारे लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर है, इसे पूरी लगन के साथ करना है, पूरी निष्ठा के साथ करना है और हर नया सदस्य हमारी ताकत बढ़ाएगा, हमारे संगठन को और सशक्त बनाएगा। हम सभी को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नए भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए भी इस अभियान को सफल बनाना है और अपना पूरा सहयोग देना है। इसके साथ ही बूथ सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत भी हमें इसकी चिंता करनी है कि किस प्रकार बूथ कमेटियां और अधिक मजबूत हों जिससे चुनाव के समय जनता को वोट देने के हेतु ग्रास रूट पर हम प्रेरित कर सकें और एक माइक्रो मैनेजमेंट जिसकी हम चुनाव में केवल चिंता करते हैं वो पहले से ही हमारा तैयार हो जाए। क्योंकि अभी आने वाले समय में वैसे भी ये जो हमारा संगठन पर्व चल रहा है, संगठन पर्व के साथ साथ हमको निकाय के चुनाव में भी जाना है, पंचायतों के चुनाव में भी जाना है, उस समय ये किया हुआ काम हमारे बहुत काम आएगा। और इनके साथ साथ हमें विश्व के हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो विशेष जो कार्यक्रम है, आज तक मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर इतनी लंबी श्रृंखला जो मन की बात की उन्होंने चलाई है, ये पहला कार्यक्रम है और इसको भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना है, जिससे अधिक से अधिक जनता इस कार्यक्रम से जुड़कर प्रेरित हो सके, लाभान्वित हो सके। साथियों, हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भांति देश और अपने संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए दिन रात काम करना है, अपने को व्यवस्थित करना है, अपने को संगठित करना है और पूरी तरह से अनुशासित रहते हुए अपने स्वयं के काम के साथ साथ संगठन के काम को भी आगे बढ़ाना है। हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का ही प्रतिफल है कि पिछले 10 वर्षों में हर क्षेत्र में आज भारत आगे बढ़ा है। हर वर्ग के कल्याण का एक मैप धरातल पर उतरा है। इन 10 सालों में अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, गरीब कल्याण की बात करें, निःशुल्क खाद्यान्न की बात करें, शिक्षा की बात करें, या किसानों के विकास से लेकर गरीबों के आवास हों, या सेना का आधुनिकीकरण हो, या आंतरिक सुरक्षा हो, बाह्य सुरक्षा हो, हर क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हुआ है। और मैं आप सबको बताऊं कि जब हम एक बड़ी बैठक में बैठे थे जिसमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चूंकि उत्तराखंड भी एक हमारा दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, उसमें हमने देखा कि 2014 से पहले जो हमारा आधारभूत ढांचा था, सड़कें, बिजली, तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बिल्कुल भी नहीं बना था, जबकि हमारे पड़ोसी देशों में तेजी से बनता हुआ चल रहा था। लेकिन 2014 के बाद पिछले 10 सालों में ये तस्वीर पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र प्रथम की भावना से काम कर रहे हैं। राष्ट्र पहले, इस भावना को लेकर काम करता है जब व्यक्ति, तो उसको राष्ट्र के लिए जो भी जरूरी होता है वो सब काम उसकी प्राथमिकता में होते हैं। चाहे आज अगर हम पिछले कोरोना की बात करें, प्रत्येक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाना हो, हथियार और मोबाइल उत्पादन तक, हर क्षेत्र में आज अभूतपूर्व कार्य हुआ है। इसके साथ ही धारा 370 समाप्त होना हो, भगवान राम का भव्य मंदिर बनना हो, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनना हो, महाकाल लोक बनना हो, या हमारे ही राज्य में चाहे चार धाम ऑल वेदर रोड हो, भारतमाला, पर्वतमाला ऑल वेदर रोडों के माध्यम से, या केदारनाथ जी का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, ऐसे अनेक कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं जिनका आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। यदि मैं इस 10 वर्षों के कार्यकाल के अभूतपूर्व कार्यों के बारे में यहाँ पर बोलूँगा तो मुझे लगता है कि चूंकि आज संगठन मंत्री जी और अध्यक्ष जी ने मुझे थोड़ा कार्यक्रम में से जल्दी बुला लिया, तो इसलिए मेरे को थोड़ा समय कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं बहुत विस्तार से उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। और मैं अगर राज्य की बात करूँ तो यही नहीं, हमने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिनको पहले की सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के कारण आज तक लागू नहीं किया, परंतु हमने जहाँ एक और समान नागरिक संहिता को का विधेयक पारित करके और जल्दी हम उसको लागू भी करने वाले हैं, यानी कि 9 नवंबर से पहले हमने संकल्प लिया है कि समान नागरिक संहिता का हमारा कानून प्रदेश के अंदर प्रभावी हो जाएगा। वहीं हमने धर्मांतरण को लेकर देवभूमि की अस्मिता की रक्षा करने का भी एक बड़ा काम किया है, जिससे कि राज्य का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी हम ये कहीं ना कहीं देवभूमि का स्वरूप बनाकर उनको विरासत में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चाहे अतिक्रमण की बात हो, इसके अतिक्रमण जो हटाने का काम हुआ है, एक बड़ा अभियान था, उसको हम कहीं ना कहीं एक बड़ा भूमि अतिक्रमण का रूप भी दे सकते हैं, कह सकते हैं। नकल विरोधी कानून हो, दंगा रोधी कानून को भी इस बार विधानसभा के सत्र में मंजूरी मिल गई है, और ये सब ये साबित करता है कि हम जो कहते हैं प्रदेश के हित में, हम उसको पूरा करते हैं। और हमने उत्तराखंड में खेल विश्वविद्यालय बनाने का भी वादा किया था,
आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि इस बार विधानसभा के सत्र में खेल विश्वविद्यालय को भी मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही अनेक कई निर्णय लिए हैं साथियों। इस वर्ष निकाय के भी चुनाव होने हैं, हमारे केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव भी होना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी कार्यकर्ता बंधु इन सभी चुनावों में हमेशा की तरह अपना पूरा योगदान देंगे। केंद्र सरकार के कार्यों के साथ साथ हमारे प्रदेश की सरकार द्वारा विकास, सुशासन, रोजगार तथा उत्तराखंड की विशिष्ट संस्कृति को बचाने के लिए जो अनेक कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों के बारे में भी, उन कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम आप सभी हैं और आप लोग उनको जागरूक करेंगे। अभी आप सब लोग बांग्लादेश के हालातों से भली भांति परिचित हैं, वहाँ किस तरह धर्म और जाति के नाम पर हिंसा हो रही है और हम सब लोग उन घटनाओं से प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से हों हर प्रकार से जुड़े हुए हैं। जिस तरह केंद्र सरकार के जो भी फैसले होते हैं, जो भी जनहितकारी फैसले होते हैं, उन फैसलों पर लोगों को, एक समुदाय विशेष के लोगों को षड्यंत्र बताकर कि उनको भरमाने का काम हो रहा है, इसके बावजूद विपक्ष के लोग एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। आपने देखा जो समय समय पर कोई कैंडल जुलूस निकालते थे, कोई मौन जुलूस निकालते थे, एक मंडली थी जो अक्सर जो है कोई भी कहीं देश दुनिया में घटना होती थी तो मौन जुलूस निकालना शुरू कर देते थे, कैंडल मार्च निकालना शुरू कर देते थे। आपने देखा बांग्लादेश की घटना पर किसी ने जुलूस निकाला क्या? ये केवल प्रश्न मेरा नहीं है, ये प्रश्न हम सबका है। मुझे लगता है कि मेरे ध्यान में आया तो ये आपके भी ध्यान में आया होगा कि आखिर क्यों ये प्रश्न, इसका उत्तर कौन देगा जी? इसका उत्तर भी हम सब लोगों को समाज के साथ मिलकर खोजना होगा। अगर मिलकर खोजेंगे तो निश्चित रूप से इसका जवाब मिलेगा। हमें धर्म जाति के नाम पर बांटने वाली जो ताकतें हैं उन ताकतों के खिलाफ भी एकजुट होना है और हमें जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार है उसके विरुद्ध भी संगठित होना है, जिससे कि अन्यथा इस प्रकार के हालात भविष्य में हमारे देश के अंदर भी पैदा हो सकते हैं। इसके लिए भी देवभूमि का मूल स्वरूप बचना चाहिए, इसमें भी आप सबकी बड़ी भूमिका है। भाइयों बहनों, हमारा युवा उत्तराखंड है अब एक नए जोश और नए उमंग के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम सभी जो कार्यकर्ता यहाँ संयुक्त मोर्चे की बैठक में आए हैं, इस बैठक से जाकर गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, आदिवासी, युवा एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, किसानों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम करने का एक संकल्प लेकर, एक सौगंध लेकर और एक शपथ लेकर यहाँ से जाना है और हमें आज इस बैठक के द्वारा विकल्प रहित संकल्प भी लेना है। हम बाबा केदार की धरती से, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो उनके मुख से ये शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हम सबको अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। हम सब इसको चरितार्थ करेंगे और ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि राज्य के अंदर जितनी भी हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को हम समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें। और अन्य भी जो माध्यम है, आज हमारा सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, मैं आप सबसे जरूर कहूँगा कि आप सबकी जो एक्टिविटी है, आपकी सक्रियता है, उस पर भी जरूर रहनी चाहिए और उस पर तभी रहेगी जब हम सारी चीज़ों से अपडेट होंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब तक आप जितनी बातें यहाँ से कही जाएंगी, जितना हमारे नेतृत्व की हमसे अपेक्षा है, जन जन तक हम उसको जब तक नहीं पहुँचाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अंत में मैं आप सभी संयुक्त मोर्चा की बैठक में आए हुए सभी का अपनी ओर से आपका अभिनंदन करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए और आयोजन के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, संगठन मंत्री जी का, हमारे प्रदेश नेतृत्व का, सबका
धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में इस हमारे संगठन पर्व सदस्यता अभियान के मूल भाव को हम सब तक पहुंचाने का